नोट्स नहीं उठता सबके सामने कि जब मैं पढ़ाता हूँ या लिखाता हूँ तो मैं नोट्स नहीं लिखाता। ये आपके भी जहन में साथ साथ हर व्यक्ति के जहन में सवाल पनप जाता है कि सर आप तो लिखाते नहीं पढ़ाते हैं, चार दिन बाद हम भूल जाएंगे, आज सुनने आज तो याद है, परीक्षा आज के 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तब तक हम भूल जाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, मेरा पढ़ाने का तरीका लोगों से अलग रहा है, अलग इसलिए रहा उसके कई रीजन है। जैसे जो चीज़ें मैं पढ़ा, जैसे मैंने पर्यावरण पढ़ाना शुरू किया, इकोलॉजी सिस्टम 5 की तक पढ़ाना शुरू किया, तो पर्यावरण की खास विशेषता ये होती है किसी भी सब्जेक्ट की, जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं आपको मार्केट में 30-40 रुपये किताबों में इससे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं भी लाया, अन्य टीचरों की तरह किताब खोल दिया और आपको लिखवाना शुरू कर दिया, कोई बात आ गया तो उसको बता दिया। तो आप अपने घर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर दूर से अगर आप क्लास करने के लिए यहाँ मेरे आई है, यहाँ पे आप आए हमारी क्लास लेने के लिए, तो आपको क्या मतलब कि मैं लिखवाए आप लिख लिए छाप लिए, फिर नहीं लिखवाएं तो घर वाले पूछेंगे कोचिंग गए थे नोट्स क्या है, आज के 4 महीने बाद नोट्स कहाँ से है। उसके लिए मैंने व्यवस्था ये किया है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ केवल लेक्चर की तरह, उसके बाद मेरी नोट्स पूरी तरह से लगभग बन चुकी है और एक एक करके मैं आपको उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दूंगा। और अभी तो जब मैं नोट्स आपको दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो वन लाइनर है जो आपकी मिस होती गई है, तो जब आप नोट्स दोबारा पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत आपको क्या होगी स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज है वो मेरे नोट्स में मिलेगी। एक बात, दूसरी बात, अगर कोई चीज़ मैं लिखवाऊँ, जैसे मैंने पर्यावरण की जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर मैं लिखवाता तो कई दिन उसमें जाता है, क्योंकि मैं बोलूँगा धीरे धीरे, स्पीड कम होगी, आप धीरे धीरे लिखेंगे। कोई चीज़ जितने दिन में लिखाएंगे, अगर 3 दिन में लिखवाएंगे उसे 1 दिन में समझाया जा सकता है। ठीक, तो आप उतने दूर से आते थे, अगर मैं आपको 2 घंटे बचाया, अगर आप नोट्स ले जाएंगे तो अपने आप आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, अगर हम नहीं तैयार करेंगे तो मेरा क्या होगा, तो घर के लिए आपका होमवर्क हो गया और आपका टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। दूसरी बात, मैं दोबारा क्या करूँगा, जैसे नोट्स आपके आ जाएगा सबके हाथ में मैं नोट्स पकड़ा दूंगा और फिर मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा, तो नोट्स आपके सामने रहेंगे, मैं पढ़ता जाऊँगा समझता जाऊँगा, आपके दिमाग में क्या होंगी सारी बातें नोट होती अपने आप चली जाएंगी। अब कहेंगे सर ये कैसे आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से हम आप सफल हो जाएंगे, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आपके साथ साथ सभी व्यक्तियों के ध्यान में हो जाता है, हमें याद क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रश्न को कम से कम कई लोगों ने हमसे पूछा, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप याद करने के लिए पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, इतनी बार पढ़िए कि वह हट जाए। जैसे हमारा दिमाग क्या है, विचित्र चीज़ों को बहुत जल्दी याद करता है। एक विचित्र चीज़ का मतलब क्या है, अगर आप घर से निकले, मैं पूछूं कि आज सुबह से कितने लोग आपको मिले तो क्या गिनती बता सकते हैं आप, कितनी गाड़ियां घर से आ रहे आपके रास्ते में, कितनी गाड़ियां मिली, कितने भाई को वाला देखे, कितने लड़के कितनी लड़कियां देखे, नहीं याद रहेगा, आप नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई विचित्र लड़का देख लें, यहाँ से पूरा बाल उड़वा लिया, यहाँ से पूरा थोड़ा सा रखा हो सुबह की तरह, तोते की तरह, तो आपको नजर आएगा वैसा लड़का था। ठीक, या अन्य विचित्र प्रकार की कोई गाड़ी देख लें, गाड़ी आपने बहुत सारी देखी है, कोई गाड़ी रंगीन कलर की हो, ऐसी कलर गाड़ी हो जो आपने पहली बार देखी, क्या होगा वो आपको, कोई गाड़ी वाला आपको ठोक दिया हो, साइकिल वाला वो आपको, किसी से आपने लड़ाई की हो घर में, झगड़ा किया हो वो आपको, मतलब जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं वो हमारा दिमाग अन्य चीजों को क्या कहता है। इसका मतलब किसी पढ़ाते समय आप लोग, जब मैं पढ़ाता हूँ कई बार गधा शब्द का प्रयोग कर देता हूँ, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ जिससे आपको लगता होगा कि पता नहीं इनको शर्म नहीं, जैसे बोलते हैं बताइए पढ़ा रहे हैं हमको, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, अब गधा गधे का मतलब क्या है। मैं आपको घटनाक्रम से जोड़ता हूँ ताकि आपको वह सेंटेंस याद रहे। मेरा उद्देश्य क्या, मुझे नहीं पता मेरी गरिमा क्या है, मुझे किस लैंग्वेज का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कि मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ ताकि वो पूरे जीवन काल आपको भूलने ना पाए। एक बात, दूसरी बात, हमारे दिमाग की एक और खासियत होती है कि जो चीज़ें हमने कभी सुनी है वो जल्दी याद हो जाती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि आप हिंदी पढ़िए, तो हिंदी जब पढ़ते जाते हैं जितने शब्द आपने पढ़े हैं आपका दिमाग कभी सुना या देखा है वो शब्द आप तेजी से पढ़ते जाते हैं। जैसे कोई शब्द नया मिलेगा जो आपका दिमाग कभी नहीं पढ़ा, आपको कहाँ करेगा तुरंत रुक जाएंगे, कहेंगे कठिन शब्द है, क्या है उसको मिला के पढ़ेंगे। जैसे विश्वामित्र है, विश्वामित्र विश्वामित्र, लेकिन अगर वो दिमाग से गुजरा हुआ है कभी न कभी तुरंत क्या पढ़ेंगे विश्वा। तो मतलब हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत होती है हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद करता जो उसके सामने से। तो मैं पर्यावरण पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान देता हूँ कि मैं लेक्चर देता हूँ ताकि अगर आप किताब पढ़ें तो आपको लगे ये सब मेरे आंखों से या दिमाग से गुजर चुका है, उस बात को वो जल्दी याद करता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग की एक और विशेषता होती है, ये कलर चीज को जल्दी याद करता है। किसको, कलर चीज को जल्दी याद करता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग की खासियत क्या है, हमारे नहीं सबके दिमाग की, राहुल जी आपके दिमाग की भी खासियत है, प्रांजल जी आपके दिमाग की भी खासियत है,
अगर आपसे कह दें कि 3 घंटा मूवी देखिए, 3 घंटा भूगोल की किताब, इतिहास की किताब, साइंस की किताब पढ़िए और दोनों की स्टोरी सुनाइए पढ़ने के बाद, तो किसकी आप पढ़िए सुना? क्यों? इसका मतलब हमारा दिमाग चलचित्रों को भी अच्छे से याद करता है। हमारा दिमाग चलचित्र जो होता है उसे क्या करता है? याद करता है। तो जब मैं पढ़ाते समय इस बात का मैं विशेष ध्यान देता हूँ कि आपके दिमाग में वो बनी रहे, इसलिए मैं पढ़ाते समय कुछ एक्टिविटी भी करता रहता हूँ, आपको गधा गधाई से जोड़ता रहता हूँ, कभी अन्य शब्दों का प्रयोग करता हूँ, सांप की जगह कीड़ा शब्द का प्रयोग करता हूँ, ताकि आप खुशी खुशी उसे पढ़ें और आपका वो भूलने ना पाए। क्योंकि जब परीक्षा में हम जाते हैं तो वास्तव में वही हमें याद होता है जो हमारी आंख के सामने से गुजरा होता है। 4 विकल्प होते हैं, 3 विकल्प अगर आपको नहीं पता, तीनों हाँ ये तो सुना, ये तो यही विकल्प है, तो वही सुना हुआ चीज़ याद रहता है और आपने जो याद किया वो। अभी आपसे पूछे कि आपने अपने घर के पड़ोसी का नाम याद किया किसी का सुनते सुनते? अभी ये पूछे कि रत्नावली किसके, हर्षचरितम किसकी रचना है, तब याद तो किए थे, पता नहीं क्या था, भूल। अभी ये पूछे कि पानी का सूत्र क्या है, तब या इतनी बार सुने लेकिन ये याद किए थे, तो याद करेंगे तो भूल जाएंगे। मतलब याद कर लिए मत पढ़िए, इतनी बार पढ़िए वो, और प्रयास ये करिए कभी ये सोच के पढ़वे मत करिए कि हमें याद करना है, बस ये पढ़िए कितना हमें तैयार करना है, तो जब आपके आँख से गुजरेगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर एक पेज लीजिए इसको याद करें कल सुना दीजिएगा, हम बता रहे हैं हम पूरी रात दिन याद करेंगे, नहीं याद करना। मुझे एक पेज पकड़ा दिया, कहिए 10 मिनट बाद आपको पढ़ाना है, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो सशब्द व्याख्या कर देंगे। लेकिन कभी याद करना है तो 3 दिन याद करेंगे हमको याद, लेकिन अभी कभी पढ़ाना है तो मानो कहीं तो वैसे देख लेते हैं, ताकि दिमाग से देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बन गया, आपके दिमाग भी बन जाना चाहिए कि मैं एक बार पढ़ूंगा, एक बार सुनूंगा, मुझे अप्रस्तुतता है। नोट्स कैसे बनाए पहला प्रश्न ये है, लेकिन नोट्स बनाते समय सबसे विशेष ख्याल करिएगा, मेरी लेक्चर सुनिएगा, सुनने के बाद आपको मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारी सी किताबें 40-50 रुपये मिलती हैं, उस टॉपिक से हर टॉप किताब से कुछ कुछ नोट पॉइंट निकालिए, अपने हाथों से लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप अपना नोट्स खोलेंगे आपकी लिखी हुई राइटिंग आपको याद है। अभी मैं पूछ दें कि H2O आपने पर्यावरण किस में, कहीं सर 4थे पन्ने मैंने इसको लिखा था, आपको तुरंत याद होगा आपने किस पन्ने में। लेकिन अगर मैं लिखवा रहूँगा सर खोज रहे बता रहे इसमें है आप खोजेंगे, लेकिन अगर आपने लिखा है तो बात आपको पूरी तरह से याद होगा आपने इसका जिक्र किस पन्ने में किया है, मतलब हमारे दिमाग कितना पता है। इसलिए याद करने के लिए मत पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वो रट जाए और ये विचार ही निकाल दीजिए दिमाग से हमको याद नहीं होता। और नोट्स बनाने चक्कर में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखिए आप लोग, आप सभी लोग से मैं कह रहा हूँ कि नोट्स के चक्कर उतना ज़्यादा ना पड़ेगा, जब तक मैं हूँ तब तक नोट्स चिंता ना करें, मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ और मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन और लगेंगे। और मैंने आपसे एक बार राय लिया था कि मेरा लोगो कैसा हो, किताब का कवर कैसा हो, तो किताब और कवर मतलब किताब और नोट्स मैं दोनों पब्लिश कर रहा हूँ, एक साथ पब्लिश करूँगा, और सबसे बड़ी बात इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, ठीक, ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। नोट्स लिखवाने में आवश्यकता यह है, बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं आपने देखा होगा कि हर शहर में 100 से 200 कोचिंगें होती हैं और टीचर आते हैं ऐसे किताब खोलते हैं बच्चों को छपवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप लोग हमें फ्रेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ, मैं क्लास की वीडियो डालता हूँ, जैसा कि आप सबको पता हो, आप सब क्लास में बैठे, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि अलग से कहीं किताब रखा हो या पेज लटका के पढ़ते हैं या बगल में मोबाइल पे से पढ़ते हुए पढ़ाते हैं, ऐसा कोई काम है, क्योंकि इससे खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल, जब मैं खुद उस लायक नहीं हूँ मैं आपको उस लायक कैसे बना सकता। अब मैं गणित पढ़ाता हूँ, आपने बहुत सारे अध्यापक को देखा होगा, आज तक पढ़ा भी होगा, मैं सवाल भी खुद से बनाता हूँ, आपसे भी बनवाता हूँ और उसका उत्तर भी आता है। आप इतना दिन से गणित पढ़ने कभी ऐसा देखा आपने, मैं किताब से गणित पढ़ाया हूँ, कई दिन से रेफरेंस कर रहे हैं और ये आश्चर्य की बात है, ऐसी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन तुरंत बनाता हूँ, आपके सामने बनाता हूँ और आपसे भी क्वेश्चन बनवा लेता हूँ, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं मैं तुरंत सेट करके बता देता हूँ इसका उत्तर ऐसे होगा, तो इसलिए आप भी ऐसा करिए, आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी 2 हाथ पैर, मेरे पास भी, आपके पास 1 दिन में 24 घंटे, मेरे पास भी, ऐसा तो नहीं मेरे पास 36 हैं 42 हैं, मैं चाहता हूँ 30 घंटे होते मैं चाहे तो सो भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक, आपके छोटे छोटे इसलिए आप नहीं कर पा रहे, ठीक, इसलिए हाँ इसलिए बस ये है कि आप लोग ये विचारधारा निकाल दीजिए कि आपको याद नहीं होता। नोट्स चिंता ना करें, नोट्स हमारी जल्द ही मार्केट में भी उतर जाएगी, मैं जल्दी प्रयासरत हूँ,
बुक के लिए, इसलिए बुक की बात हो रही है, अच्छे पब्लिकेशन से बात हो रही है, क्योंकि पब्लिकेशन जो होते हैं वो अभी हम लोग को, जैसे नए लोग को ये कहते हैं मैं अपनी पब्लिकेशन आपको वरीयता नहीं दूंगा, इसलिए मैं खुद की गुडविल पे अपनी खुद किताब पब्लिश करा रहा हूँ। और सबसे पहले अपने जनपद में और अन्य जनपदों में जहाँ से आप मुझे ऑर्डर करेंगे उन जनपदों की दुकानों पर पहुँचाने तक मैं प्रयास करूँगा। हो सकता है आज शुरुआत है, अगर नोट्स बेहतर रहेगा तो दूर तक जाएगा, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है कि मेरे पर्यावरण की नोट्स से केवल भारत की कोई परीक्षा हो चाहे जिस स्तर की, अगर पर्यावरण से प्रश्न आएगा तो 50-60% क्वेश्चन मेरे नोट्स से होकर जरूर गुजरेगा। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी। अगर मेरी बात का आपको विश्वास ना हो तो पिछले किसी भी ईयर का पेपर उठाइए और उसमें देखिएगा क्या उसमें कोई चीज़ आंसर है या नहीं। तो मैं इसका पूरा विशेष ध्यान दे रहा हूँ, इसी आधार पर नोट्स बनवा रहा हूँ और ट्रिकी नहीं बना रहा हूँ उसको ज़्यादा, क्योंकि ट्रिकी बनाएंगे तो आपको समस्या होगी। मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं नोट्स को एज ए किताब की तरह बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और उसे शॉर्ट रखने का। और टोटल 50 पेज, अगर पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ 25 हो जाएगा ना, हाँ 50 पेज माने 25 पृष्ठ में, 25 पृष्ठ की पूरी पर्यावरण की नोट्स होगी जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सीटेट में काम करेगा। सीटेट में अलग से पैकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो अलग से, भोजन वगैरह अलग, लेकिन पर्यावरण की जो बात करेंगे तो पर्यावरण के लिए वो रामबाण नोट्स है किसी परीक्षा के लिए। इसलिए नोट्स के लिए ना घबराएं, लेक्चर को ध्यान सुने और उसे 3-4 किताबों से मेंशन करके जोड़कर पढ़ने का प्रयास करें। बाकी के लिए हम अभी हैं, ठीक, आपके लिए पूरी मदद करेंगे हम। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं, मेरा पढ़ाने का सही तरीका है कि मैं बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूं, आप बेहतर पढ़ने का प्रयास करें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। अगर आप अपने क्षेत्र में बेस्ट देते हैं तो सफलता जरूर आपके सिर नवाएगी। जैसे अगर आप चोरी करते हैं तो इतना बढ़िया चोरी करना शुरू करिए कि आपके 2-4 गांव में क्या हो, नाम हो जाए कि आप चोरी करते हैं। क्रिकेट खेलिए तो इस तरह से खेलिए कि 2-4-10 जिले में आपको लोग कहें कि वो बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। पढ़ना तो अपने बेस्ट दीजिए ताकि माँ बाप को यह कहते हुए शर्म ना आए कि नहीं तुम 5 साल से पढ़ा तो उठा। जो भी करिए लाइफ में, चाहे जो करिए, क्रिकेट खेलिए, शतरंज खेलिए, लूडो खेलिए, दारू पीजिए, पढ़ाई करिए, जो करिए उसमें अपना बेहतर दीजिए, तभी आप सफल होंगे। जो है जो करिए, पकेट मार बनिए, जो भी काम करिए आप उसमें अपना बेहतर दीजिए। अगर दिन भर पीते हैं तभी आपका नाम हो जाएगा दारू वाला, दिन भर दारू पीता है दारू, लेकिन पढ़ने वाला, कहने का मतलब जिस काम में अपना बेहतर देंगे उसी में आप कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि बस इस समय बेहतर करने के लिए आप दारू पी के दुनिया में, जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हैं, कोई काम करना है, पंखा रिपेयरिंग सीखना है, बेस्ट दीजिए, टाइपिंग सीखना है, बेस्ट दीजिए, जो भी काम करना है अपने जिंदगी का बेहतर देंगे, सफलता जरूर सीखने आएगी आपके आगे। जो भी काम करिए, जरूरी नहीं कि यही काम, चाहे जो काम आपको करना है वो काम करिए। कैसे कहते थे गणित नहीं आती, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैंने BSc MSc नहीं किया है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मैं 10+2 PCM उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस, मेरा मैथ्स नाता इंटर तक रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और एडवांस मैथ भी पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर वही हाल है कि अगर आपको आँख में तकलीफ होगी, आँख में समस्या के, आप पैर के डॉक्टर दिखाएंगे, हड्डी के डॉक्टर? लेकिन हमारे देश का सबसे मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, अगर उनके यहाँ रेलवे की वैकेंसी आएगी तो बड़ा सपोर्ट लग जाएगा रेलवे की बैच प्रारंभ, सीटेट आ गया तो बड़ा सपोर्ट लग जाएगा सीटेट प्रारंभ, यूपीटेट आएगा यूपीटेट प्रारंभ, TGT PGT आ गया TGT PGT का बोर्ड, IAS PCS वैकेंसी IAS PCS। आप बताइए, जब आँख का डॉक्टर आँख का इलाज कर सकता है पैर का नहीं, क्या एक विषय का ही हर मास्टर हो सकता है? क्या गणित पढ़ाने वाला SSC को गणित पढ़ाएगा, 10+2 को गणित पढ़ाएगा, CGL भी गणित पढ़ाएगा, सीटेट भी गणित पढ़ाएगा, क्या ऐसा है? बैंक का गणित कुछ में अंतर है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मुझे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूँ, कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, तुरंत बोर्ड लग जाएगा कि यह बैनर कि हमारे यहाँ बैच प्रारंभ। जब आप इतना समझदार हैं कि आपके डॉक्टर को पैर नहीं, पैर डॉक्टर आँख नहीं दिखाएंगे, तो क्या आप अध्यापकों का भी मूल्यांकन नहीं कर सकते? लेकिन हमको लगता है पढ़ा रहे, बढ़िया पढ़ा रहे, एडमिशन लेंगे, 10 रुपया अगर कम कोई फीस दिया तो कहेंगे भले उनके एडमिशन लो, 50 रुपया तो कम फीस है। ये नहीं समझते क्या इसमें भी कोई अंतर होता है? मैंने आपको समझाया था कि आप इलाहाबाद में अगर कोचिंग करते हैं, आप जौनपुर जैसे जनपद हमारे यहाँ, तो GS कोचिंग 10-15 हज़ार में साल भर पढ़ाते हैं, इलाहाबाद में 25-30 हज़ार में, दिल्ली में 2.5 लाख। लेकिन अगर पानीपत का प्रथम 15-26 हुआ है तो जौनपुर वाले 27 में कराएंगे, कम पैसा दे रहे हैं। इलाहाबाद वाले कहेंगे नहीं 26 में, और दिल्ली वाले कहेंगे 2.5 लाख दे रहा है, इसको 25 में करा दो 24 में। आखिर क्या ऐसा अंतर है, क्या ऐसा अंतर है कि वहाँ 2.5 लाख रुपये वही लेते हैं, वही चीज़ का हमारे यहाँ 10-15 हज़ार पढ़ा देते हैं? लेकिन लोग को इससे मतलब नहीं है, लोग को लगता है वो पढ़ा रहे हैं, यो पढ़ा रहे हैं। जिस दिन इसका अंतर समझ में आ जाएगा उस दिन आपको वास्तव में लगेगा हमारे यहाँ शिक्षा का बाजारीकरण इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वास्तव में जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ हम लगाना उचित नहीं समझते। वहाँ हमको लगता है मैं 100 रुपया मेरा बच गया, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता में भी असर पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं, हम वहाँ भी बार्गेनिंग करते हैं जहाँ हमें नहीं करनी चाहिए।
हम चाय की दुकान पे जाते हैं, समोसे की दुकान पे जाते हैं, 5 रुपए का समोसा होती है, उसे 3 बार कहते हैं कार इससे कम नहीं होगा, मतलब दुनिया की इकोनॉमिक्स वही लगाते हैं। और रेस्टोरेंट में जाते हैं वही 12 रुपए का समोसा लेते हैं, 10 रुपए का टिप डालकर आते हैं। तो ये हम इंसान है, हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि दुनिया के उस गरीब आदमी दुकान पे जाएंगे, दुनिया सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स लगाएंगे, 5 रुपए तो 4 रुपए मिलते, और वहां जाते हैं एक रुपए। आप कपड़ा लेने जाते हैं छोटी दुकान पे 20 रुपए बताया, अरे बगले 10 रुपए दे दे। अब मॉल में जाएंगे 499 तो 400। तो मतलब वास्तविकता ये है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग वही करते हैं जहां हमें गरीब आदमी। आप कहाँ पैसा लगाते हैं, बार्गेनिंग किससे करते हैं, टेम्पू वाले से, रिक्शे वाले से, ट्रेन में बार्गेनिंग करेंगे, प्लेन की टिकट में बार्गेनिंग करेंगे। ये हमारा आपका नेचर ऐसा बना है। कभी सोचिए 5 रुपए समोसा लेने जाएंगे कि 5 समोसा 1 समोसा फ्री नहीं दे सकते, कहते हैं ना 10 टोली 1 को ज्यादा डाल दीजिए, मतलब बिना कहे आप रह नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जितनी भी इकोनॉमी है वो गरीब आदमी की दुकान पे इसका प्रयोग। क्यों मुंह से पानी आ गया क्या आप लोग? ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे भी कहती इमली बहुत खट्टी होती है, खट्टी होती है तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ा है, पावलोव वगैरह को पढ़ा होगा। तो यही मिला जुला के जो मैंने, मेरा कहने तत्पर यही था कि गुणवत्ता समझौता में जहाँ करना होता है वहाँ हम नहीं करते, और बाद में पछताते हैं कि हमें वहाँ जुड़ना चाहिए था, यहाँ जुड़ना चाहिए था। इसलिए आज ही मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम ये चाहते हैं कि शिक्षा को भी अगर कम में कर दें कि आप हमारे फ्री में पढ़ाया जाता है, कुछ ना पढ़ाए लोग आगे भीड़ लगा लेते, लेकिन अब बेहतर पढ़ाते उससे कोई मतलब नहीं, उनको बस 50 रुपये का कहीं कम है, 100 रुपये का कम मिल रहा कहीं वो बेहतर है। तो कभी कभी बेहतर की तलाश से हम लोग बेहतरीन खो देते हैं। तो इससे अच्छा ये है, मिला जुला के कही है कि आप अपने मेहनत से पढ़िए, जिंदगी का बेस्ट दीजिए, सफल जरूर होंगे। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि एक बार में सफल हो जाए, हो सकता है आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई, इस बार नहीं तो अगली बार सफल आप जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए नित परिश्रम की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ आप सभी लोग याद करने के लिए मत पढ़िएगा, इतनी बार पढ़िएगा रट जाए, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, मुझे याद नहीं होता, जब तक ये बात आपके दिमाग में रहेगी तब तक याद नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद कहानी को विराम देता हूँ। आपकी तरह एक पथिक था, पथिक जानते हैं ना, पथिक व्यक्ति था, पैदल जा रहा था, आप लोग की तरह तो जा रहा था, तो पैदल जाते जाते देखा एक हाथी, जानते हैं ना बड़ा सा होता है, काला काला सूंड होता है, देखे हैं। तो हाथी देखता है, हाथी को पैर में सीकड़ बाधा होता है और उसे एक पेड़ से या दीवार से बाधी होती है, तो पथिक देखते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बात आती है कुछ वापस आ जाता है, फिर उसको ध्यान से देखता है और महावत जानते हैं ना, महावत से पूछता है कि बताइए इतनी बड़ी हाथी इतने पतले सीकड़ में कैसे बांधा गया, इतनी बड़ी सीकड़ में कैसे इसको बांध के रखा गया, कैसे, बहुत आसान, कहे कि तो जब चाहेगा तब तोड़े, कहे नहीं तोड़ सकता, कहे 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 जब ये पैदा हुआ था, जब वो पैदा हुआ था तो उसके पैर में सीकड़ बांध देते थे, तो बहुत ही प्रयास करता तोड़ने के, नहीं टूटा, तब से उसके दिमाग में बात बन गया है कि जब मैं सीकड़ बांध देता हूँ उसे लगता मैं तोड़ नहीं पाऊंगा आसानी से वो। वैसे हमारे आपके दिमाग में बैठ गया मुझे गणित नहीं, ठीक, हमें पर्यावरण नहीं आता, वास्तविकता में हमारे दिमाग की उपज है, ऐसा हमारे दिमाग बन जाने वजह से नहीं आता, जिस दिन आपने सोच लिया नहीं वास्तव में आपका आता। अब जो ये हाथी पागल हो जाता है सीकड़ को वही सीकड़ तोड़ देता, लेकिन जब तक तो बेचारा सही है उसके दिमाग में बना हुआ था सीकड़, आप भाई पागल का मतलब उसको पढ़ने के लिए उतावले हो जाए, कैसे गणित नहीं है, हम भी अगर ऐसे समझौता कर लेते कि हमें गणित आती, इसलिए आप भी समझौता ना करिए, अपने दिन का बेहतर दीजिए, सफलता जरूर चक मार कर आपके पास आएगी, ठीक। तो आप लोग भी बेहतर लगे शेयर जरूर करिएगा और लोगों तक, ये समस्या सभी व्यक्तियों के साथ होती है, कोई सब्जेक्ट अपने आप में, सब सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, सब आपके लिए, और आप बेहतर कर सकते हैं, बस यहाँ से आप बेहतर सोचिएगा और बेहतर जरूर कर पाएंगे।